नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। स्वागत जिंदगी नेटवर्क न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उन्नाव के विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी में लगे ग्राम प्रधान सर्वेश लोधी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, जिसकी शिकायत लेकर कई ग्रामवासी पहुंचे डीएम उन्नाव की चौखट पर और शिकायत की। उन्नाव के विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी के गांव शंकरपुर सराय के ग्राम प्रधान पर हेडपंप के रिवॉर्ड कराने को लेकर फर्जी भुगतान के आरोप लगे हैं। कई गांववासी लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर डीएम से शिकायत किए हैं और आरटीआई के तहत सूचना न देने का भी आरोप लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुई कोई जाँच, ग्रामीण परेशान। उन्नाव डीएम ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच के आदेश दिए हैं। स्वागत जिंदगी के लिए सह संपादक श्याम जी गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। मीना कुमार कहाँ रही? तो शंकरपुर से। यहाँ पर प्रधान को पर आरोप लग रहा है, कैसा आरोप लग रहा है? आरोप तो सही लग रहा है। क्या आरोप है? आरोप का रिबोर वाले मैंने 20 बोर रिबोर दिखा के ने पैसा उठा लेना, इसी तमाम 10 बोर करीब रिबोर भरे हैं, 10 के फर्जी है और आधा दर्जन करीब हैंड पाइप बंद भी पड़े हैं। पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है और जहाँ जहाँ इसने काम कराया सब उल्टा काम कराया। गंदगी क्या? गंदगी बहुत फैली पड़ी है। सफाई कर्मी नहीं आते? सफाई कर्मी वहाँ कहाँ जाते? वहाँ जाते नहीं। जिला प्रशासन का भी सूचना की गई है, आश्वासन ने उसने दिया है। अब देखो कब इसकी शिकायत कहीं की गई? शिकायत कहीं किया आप? शिकायत डीएम के यहाँ। क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है। आदित्य कुमार कहाँ रहते हैं? शंकरपुर सराय। ये जो जलभराव देखने को मिल रहा है, कैसा जलभराव, कहाँ से आ रहा है? ये जलभराव पहले तो नहीं था, इधर कोई पानी आने का रास्ता नहीं था, लेकिन जो नए प्रधान है उसने जबरदस्ती इस तरफ पानी मोड़ दिया। जो साइड में हमारे मकान के खरंजा लगा हुआ है उस खरंजे के ऊपर से पानी निकाल दिया है। क्या नाम है प्रधान का? सर्वेश प्रधान। और वो कहता है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो इसकी सूचना क्या कहीं उच्च अधिकारियों को दिया है? नहीं। सफाई कर्मी क्या व्यवस्था? सफाई कर्मी आते हैं? सफाई कर्मी आता होगा तो वहीं स्कूल वगैरह देख करके चला जाता है। अच्छा, गांव में नहीं आता है? गांव में इधर तो ये जलभराव कितने लोगों का पानी यहाँ से आता है? पहले आया कभी? नहीं, इधर नहीं आया। अच्छा, भूप शंकर के मकान से लेकर के और इधर राजा का नाम क्या है, किशन लाल, जीवन लाल, बसंत लाल, प्यारे लाल, इन सब लोगों का पानी इधर ही आता है? सभी लोगों का पानी इधर। क्या खरंजा वगैरह कुछ बता रहे थे आप? हाँ, खरंजा लगा हुआ है। पूर्व प्रधान ने पहले खरंजा यहाँ लगवाया था, आज उसी के ऊपर से नाला बह रहा है। खरंजा नीचे दब गया? खरंजा नीचे दबा दिया। तो प्रधान को अवगत कराया था? हाँ, प्रधान से अवगत कराया तो प्रधान कहता है जो हमारी मर्जी होगी हम करेंगे। किशोरीलाल, यहाँ पर ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लग रहा है कि 20 रिबोर का पैसा निकाला गया है, इसमें 200 रिबोर नहीं हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, 20 रिबोर का पैसा निकाल लिया गया, लेकिन 20 नहीं, 10 का काम इसने कराया और 10 का कराया नहीं, 10 के फालतू में पैसे निकाल लिए और आज भी करीब 5-6 मतलब आधा दर्जन के लमसम पाइप खराब पड़े हैं और इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी गई है। हम भी गए थे देने दिया, लेकिन अभी तक कोई सूचना मिली नहीं लौट के, और इसको हम लोग जानते भी नहीं थे। आईटीआई जब हम लोगों ने निकाली इसकी, तब हमें मालूम हुआ कि ये 20 हैंड पाइप का पैसा निकाला है इसने और 10 का काम कराया और 10 का पैसा ऐसे ही पी गया है। और आज भी देखा जाए तो 5-6 मतलब करीब आधा दर्जन पाइप ऐसे ही पड़े हैं जिनमें पानी नहीं निकल रहा। हमने भी एक चला करके अभी देखा, तब भी नहीं निकल रहा, तो हम समझ गए कि ये घफलाबाज है। अच्छा, गांव में नालियों के क्या पोजीशन? नालियों की तो पोजीशन ये है, ये खरंजा लगवाया है इसने, होली के सामने आगे से 10 फुट है, आगे जा करके वो 3.5 फुट बचा, फिर आगे 12 फुट लिया गया और 10 फुट आगे बढ़ा करके वहाँ इतनी गंदगी है कि आप चल करके वहीं देख लीजिए,
तो आपकी समझ में आएगा हम यहाँ आपको क्या क्या बताएं। वहाँ आपकी नजर में फोटो भी होगी गंदगी की, सफाई कर्मी नहीं आते, नहीं कभी वो गली कहाँ थी, वो रोड पे देखते हैं सफाई कर्मी, लेकिन गली के अंदर नहीं देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाह रहे हैं ये सफाई हो, और ये जो गंदगी फैलाई जा रही है रोड के तरफ से पानी ले जाया जा रहा घरों की तरफ, जबकि घरों का पानी रोड तरफ आकर के नालम गिरता है और नाले से कहीं निकल जाता है, लेकिन ये पानी की व्यवस्था ऐसी कर दी है कि रोड तरफ से पानी ले जा करके वहाँ पता नहीं किसके घर में भरेगा, और वहाँ देखा जाए इसकी सूचना सरकारी जांच कराई जाए और देखा जाए ये सत्य है कि झूठ है। अगर झूठ निकलता है तो मेरा सर कलम कर दिया जाए, लेकिन इसकी जांच अवश्य कराई जाए।